नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2020 के बारे में। यह योजना क्या है और इस योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है, इसका लाभ लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ ही इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, तो संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर और जानना चाहते हैं सरकारी योजना तथा जॉब से रिलेटेड वीडियो, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा रोजगार हासिल करने के लिए आसानी होती है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए कुशल बनाने का है। यह एक प्रशिक्षण योजना है जिसमें परीक्षा के द्वारा भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनको कौशल के लिए विकसित किया जाता है। वहीं बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभ के बारे में, तो आपको बता दें इस योजना के तहत सरकार अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है। इस योजना तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के द्वारा किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य कौशल और प्रतिभा को विकसित करने में सहयोग देगा, साथ ही मौद्रिक इनाम भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे लोग जो 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें रोजगार खोजने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे इस योजना के तहत प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर रोजगार की सुविधा भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण में सफल होने वाले परीक्षार्थियों को सरकार की ओर से मानदेय भी प्राप्त होता है, जिसके द्वारा युवाओं अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकते हैं, जिनमें मौद्रिक इनाम की राशि 8,000 तक दी जाती है सरकार के द्वारा। इस योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आवेदक की परिवार के किसी एक सदस्य का आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होता है। चलिए अब जान लेते हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दें, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपने नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर का पता लगा करके आपको पहले ट्रेनिंग सेंटर नज़दीकी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही इसका लिंक खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह से पेज यहां पर जो है इस तरह से पेज ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपको जो यहां पर जो लिंक दिख रहा है क्विक लिंक से आपको इसमें सिंपली आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर चार प्रकार का ऑप्शन आता है, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्किल इंडिया पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक कर देने के बाद कुछ पेज इस तरह से आपका यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है, आपका लिखा हुआ जाता है कौशल विकास भारत सरकार, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्किल इंडिया, उसके बाद यहाँ पे आता है कुशल भारत, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल इंडिया पोर्टल। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एस ए ट्रेनिंग प्रोवाइडर और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एस ए कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको अगर कैंडिडेट के रूप में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक स्टूडेंट है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। ये प्रोवाइडर क्या होता है, जो ट्रेनिंग देगा वो उसके लिए होता है, तो आपको सिंपली जो है इसमें आपको क्लिक कर देना है रजिस्टर अस कैंडिडेट में। क्लिक कर देने के बाद जो है आपका कुछ पेज जो है यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ था आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यहाँ पे अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक लिखा हुआ आता है। यहाँ पे कुछ आपका जो है कैंडिडेट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको अगर समझना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हेल्प टोल फ्री नंबर दिया हुआ है हेल्प के लिए, आप इसका भी जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स भर लेना है। यहाँ पे आपको जो है आपका जो है जो टाइटल शुरू होता है यहाँ पे उसका टाइटल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नाम जो आपका आता है यहाँ पे फुल नाम दे देना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम जो है यहाँ पे आपको भर लेना है। कैंडिडेट नाम भरने के बाद उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर आपको मेल है या फीमेल है, तो आपको जो भी है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर जो है ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन डालना है। एजुकेशन के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एजुकेशन लेवल, तो आप यहाँ पे कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं तो उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पे आता है लोकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको लोकेशन डिटेल्स के अंदर में यहाँ पर पिन कोड डालना है, आपका जो एरिया का पिन कोड है उसी को डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट ले लेना है, ऐसे तो स्टेट बिहार से है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है, और सेंटर भी आपका वही होगा जो डिस्ट्रिक्ट आप इसको लेंगे, ठीक है। पहले आपको पता कर लेना है कि आपका सेंटर कहाँ है, ठीक है, सेंटर आपका डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा तो आपको पहले देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है आपका प्रीफ्रेंसेस, तो यहाँ पे आपको सेक्टर ले लेना है। सेक्टर में से आपको जो है यहाँ पे जो भी सेक्टर में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ से उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज डेट के लिए एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे अगर लड़की रहेगा तो वो ब्यूटी एंड वेलनेस है, उसके बाद यहाँ पे ले लेगा कैपिटल गुड्स है तो यहाँ पे वो कैपिटल ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे बहुत सारा है। उसके बाद हेल्थ है, जनरल जॉब्स, ग्रीन जॉब्स है, तो आपको जो भी लेना है तो आप उस अनुसार से हेल्थ केयर है उसको भी ले सकते हैं, तो आपको जो भी लेना है तो आप अपने अनुसार से यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब सेक्टर है, ठीक है। सब सेक्टर में आप जो है पहले इसको जैसे ही लेंगे, उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हेल्थ केयर हम लिए हैं, तो उसके बाद हेल्थ केयर लेने के बाद तब ये आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद आपको इनमें से हेल्थ जो आप लिए हैं केयर में, तो आपको इसमें से यहाँ पे पांच प्रकार से हेल्थ केयर के अंदर में आता है, इसमें से किसी एक को आप ले सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको जिसमें भी ट्रेनिंग लेना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर है, अगर आप में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एग्रीकल्चर बेहतर होगा, उसको भी ले सकते हैं, तो आपको जो भी अच्छे लगे तो आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉब रोल आता है, तो यहाँ पे आपको ले लेना है। जॉब रोल में यहाँ पे लिखा हुआ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ डायबिटीज एजुकेटर, तो यहाँ पे आपको जो भी लेना है तो उस अनुसार से यहाँ पे आपको आ जाएगा, तो आपको इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसी को आप सेलेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका एसोसिएटेड प्रोग्राम विकल्प यानी ऑप्शंस, तो यहाँ पे जो है आपको यानी काउंसलिंग के लिए जहाँ भी आप लेना चाहते हैं सेंटर, तो वहाँ पे जो है आप इस सेंटर को आप ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आप अब जैसे यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको अपने अनुसार से यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आ जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर में आता है आपका इंटरेस्टेड, अगर आप PMKVY ट्रेनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसको लेना है। उसके बाद अगर आप PMKVY ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको लेना है। और यहाँ पे पैट कोर्स के अनुसार अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो है पैट करके जो है आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको ले सकते हैं। अगर रोजगार मेला के तहत आप लेना चाहते हैं तो रोजगार मेला के तहत आप ले सकते हैं। तो किसी एक को जो है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। किसी एक में आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके सेलेक्ट करने के बाद अब लास्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ को रीड कर लिए हैं, आप जान लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन में यहाँ पे जो है सबमिट बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका सफलतापूर्वक जो है ये सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन यानी सबमिट कर देने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन सफल होने की सूचना जो है आपके दिए गए मेल और मोबाइल नंबर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है इसके लिए PMKVY योजना के लिए आप इस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप कर सकते हैं। अगर इस योजना के तहत आप ट्रेनिंग लेकर के आप कुछ रोजगार लेना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारी ये वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जाते जाते लाइक जरूर कर दें। अगले वीडियो के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।